अभी तक जो गौ माताएं आपको दिखाई है यहाँ पे, वो लगभग भाई साहब लेके आए जो है बाहर से, और पिछले इतने समय की मेहनत, और कोई भी ब्रीडर या कोई भी व्यक्ति अपनी गाय नहीं देता है, तो इन्होंने खुद ने अपने यहाँ पे संवर्धन करके शुभम और ऐसे अच्छे नंदी और सीमन 50 साल पुराने डोज भी उन्होंने कलेक्ट किए और इधर उधर से इकट्ठा करके, जब कैप्सूल में सीमन आते थे उनको इकट्ठा करके भी संवर्धन किया। ये जुनून होता है। इन्होंने अपनी गाड़ी के टायर 3 बार बदला दिए, इतना ज़बरदस्त काम, मतलब पूरा दिन रात एक किया अपने बिजनेस से टाइम निकाल के, ये सारे रिजल्ट है। जी भाई साहब, ये मैंने जो अभी आपको जो गाय बताई उसकी बछड़ी है, आशा की बछड़ी है, जो भूतवर ब्लड लाइन की है। ये जो काली श्याम कपिला देखी उनकी बच्ची है, ये भूतवड़ का माँ का बुल था, और ये मेरे पास एक भूतवड़ का बुल था, ये भूतवड़ के बुल से है, भूतवड़ का जो धारणिया मैंने आपको आगे बताया, धारणिया वो उसकी बहन है, धारणिया की बहन है, धारणिया है माँ श्याम कपिला। और अभी जो मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो मेरी गौशाला शुरू होने की जो वजह है, वो अभी जो मिलवाने गौशाला शुरू होने की वजह है, ये इसकी माँ, इसकी माँ मेरी पहली गाय में जो लाया था, हाँ। वो इसकी माँ थी, पहली गाय जो गोमाता लाए थे भाई साहब, उसकी इनकी माता जी थी, उसका नाम श्रद्धा था, श्रद्धा वो आज नहीं है, सुधा था, सुधा, और इसका नाम श्रद्धा है, सुधा इनकी माता जी, वे श्रद्धा गोमाता है, श्रद्धा और लीलड़ी है, श्रद्धा और लीलड़ी, पूरी लीलड़ी देख लीजिए, ये होती है ओरिजिनल लीलड़ी, जो लीलड़ी कहते हैं। ये सारी रिजल्ट है भाई साहब के, जो रिजल्ट इतने टाइम की मेहनत से है, इसका बाप भी धारणिया है, धारणिया है इनके फादर, और धारणिया कौन सा भूतवड़ है ना, भूतवड़ ब्लड लाइन का धारणिया बोल रहे उसके है ये दिल। जी वो धारणिया का छोटा भाई भावनगर सागवाड़ी गौशाला में, धारणिया का छोटा भाई भावनगर सागवाड़ी गौशाला में, तो ये गुजरात की वास्तव में खासियत है भाइयों, हर ब्लड लाइन को व्यवस्थित कैसे रखना है और कैसे उसको नाम देना है। यह चांदनी, यह है चांदनी, वो चंद्रिका की बेटी है, चंद्रिका की बेटी है, चंद्रिका की बेटी है चांदनी, मेरा शुभम, ओहो शुभम का रिजल्ट है, शुभम के रिजल्ट बड़े प्यारे है, वास्तव में शुभम नंदी इसके रिजल्ट बड़े प्यारे है, 5 साल की उम्र है, और 5 साल में ऐसा लगता है 10 साल का होगा, मतलब शरीर इतना अच्छा ग्रोथ है, और बहुत अच्छे शुभम के रिजल्ट है। मतलब शुभम का क्या खासियत है, शुभम शुभम अभी दिखाएंगे आपको, अभी दिख रहा होगा आपको, उसको दिखाऊंगा तब मैं उसको बताऊंगा। हाँ जी, और वो जो मैंने आपको तोखर दिखाई ना, तोखर की बछड़ी, तोखर की बछड़ी जब मैं लाया था तो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट थी तोखर से, उसके साथ आई, तो बोलता है भावनगर राज की बछड़ी, ऐसा उनका कहने के मुताबिक भावनगर राज की बछड़ी है ये, पर कलर पैटर्न वो नहीं है ना वैसा, कलर पैटर्न राज वाला नहीं आया, पर कई बार होता है जो गोमाता पे चली जाती है, माँ पे गई, उसकी माँ का ऊपर, माँ के ऊपर जाती है कई बार, पर राज जिनसे लाए उनका नंदी था, तो उसकी बच्ची है ये, शुभम का पहला बच्चा, ये शुभम की पहली बच्ची, शुभम के रिजल्ट है, ये शुभम की पहली बच्ची, और वास्तव में शुभम नंदी की खासियत तो है, इसके सारे बच्चे लगभग उसके जैसे ही, सारे सारे देख लीजिए आप, इधर भी देखिए, सारे एक जैसे हो जाते जी। फिर ये धारणिया की है, फिर ये धारणिया की, धारणिया का भी यही है लगभग, सारे बच्चे उसके जैसे, इसका हाइट बॉडी बहुत जबरदस्त है, धारणिया के रिजल्ट में हाइट बॉडी अच्छी होती है। ये कलर पैटर्न मेरा भी फेवरेट है। ये शुभम की बछड़ी, इस कलर को आप क्या कहते हैं वैसा, काबरी, काबरी इसे कहते हैं, काबरी मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, काबरी, लाल काबरी, लाल काबरी, काली काबरी भी होती है, लाल काबरी भी होती है, अलग अलग तरह की काबरी गिर। ये जो मैं पहले दो गाय लाया था ना एक साथ, हाँ। उसमें से गाय की गोपी की बछड़ी, गोपी की बछड़ी है, और ये धारणिया की बछड़ी, ये फिर धारणिया की बछड़ी, बहुत सुंदर, और ये दूसरे सारे रिजल्ट शुभम के और सारे छोटे बच्चे। जी भाई सर, इनके बारे में बताओ, ये जो आ रही है वो 50 साल पुराना डोज की है, हाँ ये है जो पैसा मैंने बताया ना, 50 साल पुराना डोज, वो नंदी तो था है नहीं अभी, तो उसके डोज को लेके इन्होंने इसका संवर्धन किया है, और
इसमें से ये जो काली वाली दिखती है वो जीएलडीबी श्याम की बछड़ी है। ये काली वाली जीएलडीबी श्याम भी बड़ा प्रसिद्ध बुल है। हाँ। जीएलडीबी श्याम की ये वाली। और फिर जो वो अंदर बीच में सफेद मतलब निकाला हुआ ऊपर सफेद सफेद। हाँ, वो थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। हाँ। वो धारणिया का बेटा है, बछड़ा है, धारणिया का बछड़ा है। फिर ये जो आ रही है ना बीच में, हाँ, छोटी सी वो मोहन की बछड़ी, कान लंबे जो मोहन की बछड़ी है, वो मोहन की बछड़ी है। और फिर वो दोनों शुभम की है, बाकी दोनों शुभम, ये शुभम की है। शुभम का कलर पैटर्न ही अलग है। फिर वो वाली लंबी वाली शुभम की है। सब शुभम का तो सारा इसमें सेम कलर पैटर्न दिख रहा है, सब शुभम। सफेद दिखती है शुभम की, वो भी शुभम की है। सफेद गौ माता से है ना वो, तो सफेद काबरी, सफेद का शुभम की बच्ची है, बछड़ा है सफेद माता वाला, वो भी शुभम का, शुभम के बच्चे। शुभम के बच्चे बड़े सुंदर है सारे, रिजल्ट बड़े शानदार जी। और इस नंदी के बारे में, पंखालिया का बच्चा है दोस्तों, कितनी मेहनत करके तैयार किया है। शिवम पंखालिया का बच्चा है, शिवा पंखालिया का बच्चा आपको देख रहा था शिवा जी।